कि आपको कैंसर तक हो सकता है, स्किन रैशेस हो जाएंगे, आपको स्किन टैन होगी, पानी के बाद है, पानी में अगर आप उसके अंदर नींबू निचोड़ दे, मतलब जब जब आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है, जैसे कार्डियो करते या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तब आपका फैट एक्चुअल में लॉस होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? इसी मसल्स में आपका स्वागत है। तो हम नया वीडियो लेकर आए आज, और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि समर में हमें क्या क्या खाना चाहिए। जैसे समर चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वक्त में क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, गलत फूड खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, जैसे कि थकावट होने लग जाती है और बॉडी में बहुत सारे पिंपल्स आने लग जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम हमें शुरू हो जाती है। तो समर में हम डाइट करके आप खुद को आप पतला भी कर सकते हो, और समर में डाइट करके आप अपने जो एनर्जी लेवल है उसे भी बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि समर में हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना है और क्या क्या चीज़ें खाना है। ये वीडियो स्किप मत करना गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हम आगे चल के आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसकी वजह से हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं और हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे कि हम समर का है, हमें क्या क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले आपको तो ध्यान देना चाहिए कि आप क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में खाते हो। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, जैसे कि अगर आप अंडे खा रहे हो, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ आपको प्रोटीन सोर्स बढ़ाना है, तो आप अगर आप अंडे खा रहे हो तो अंडे आपको एक लिमिट में खाना है, और आपको योग ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि योग में ज़्यादा हीट होता है आपकी बॉडी, तो योग थोड़ा कम खाना चाहिए, और लीन खा सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अगर जिम की शुरुआत है आपकी, ज़्यादातर हमारा जो वीडियो है वो जो बिगनर लोग देखते हैं, तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको नहीं बोल के कम से कम 8 अंडे खाइए, 8 अंडे में आप कम से कम 2 योग रखिए, ये बार लीन ज़्यादा खाना होगा। 8 अंडे जो है वो एक साथ खाना है या फिर अलग अलग? नहीं, अलग अलग आपको, जैसे कि सुबह 2 खा सकते हो आप, लंच में 2 ले सकते हो, शाम में आप अगर जिम के बाद आके 2 ले सकते हो, और डिनर में 2 खा सकते हो, इस तरह से अंडे खा सकते हो। और अगर आप चिकन खा रहे हो तो चिकन तो बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, तो चिकन में आप ब्रेस्ट खा सकते हो, पर इससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बहुत अच्छा लीन सोर्स है। तो सबसे पहले आपको क्या नहीं खाना है उस पर आपको ध्यान देना होगा समर में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, स्पाइसी चीज़ मत खाइए, स्पाइसी चीज़ जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो आजकल आप देखोगे आपके किचन में, जैसे घर के किचन में क्या बनता है, जैसे कि भाजी बनती है बहुत स्पाइसी और तेल वाली बनती है, जैसे चिकन बनता है या मटन बनता है, तो उसमें बहुत स्पाइसी रहता है। तो स्पाइसी खाने से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एकदम डल हो जाएगा, तो उससे आपकी बॉडी, जैसे कि अगर आप कोई वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट में आपको बहुत थकावट फील होगी, तो इस तरह से आपको स्पाइसी चीज़ नहीं खाना। अगर आप कोई भी ड्रिंक पीते हो, जैसे कि आप गर्मी में जा रहे हो तो आपको अगर कोई भी ड्रिंक पीना है, तो आप सबसे पहले आप कार्बोनेटेड वाटर मत पीजिए। कार्बोनेटेड वाटर में जैसे क्या आ गया, थम्स अप आ गया, पेप्सी आ गया, कोको कोला आ गया, माजा आ गया, तो इस तरह से स्वीट वाली भी आइटम है, इसमें बहुत शुगर होता है, पर ये चीज बहुत ही आपको अवॉइड करना है। इसकी जगह पे लोग तो समझते हैं कि जैसे वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, बात तो सही है, डाइजेशन के लिए अच्छा, तो उसकी जगह पे आप छाछ पी लीजिए, छाछ एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, और छाछ की जगह पे आप नारियल पानी पी लीजिए, अगर आपको वही पी, वर्ल्ड की बेस्ट ड्रिंक है वो, तो मैं मानता हूं। तो इस तरह से आप नारियल पानी पी लीजिए, जैसे कि आप छाछ पी लीजिए, आपको अगर लस्सी भी आपको अवॉइड करना है, लस्सी भी आप ज्यादा नहीं पी सकते हो क्योंकि उसमें भी शुगर होता है, तो इस तरह से आप ये ड्रिंक यूज कर सकते हो। अगर आपको खाना है, जो कि खाने की चीज में आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप रोड साइड जाते हो तो रोड साइड में आप कोई भी, जैसे कि आप तंदूरी आइटम खा सकते हो, सीख आइटम खा सकते हो, तो उसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, वो आप मजबूरी में खा सकते हो, अगर आपके पास नहीं तो आप फ्रूट खा लीजिए, फ्रूट सलाद खा लीजिए, फ्रूट भी खा सकते हो जो कि बहुत अच्छा सोर्स होता है। फ्रूट में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो रहेगा वो वाटरमेलन होगा। वाटरमेलन कैसा, 80% इसमें वाटर होता है, और उसके अंदर पोटेशियम भी होता है, और विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है। और फ्रूट में मेरे हिसाब से अगर आप और भी चीज़ें, जैसे सीजनल फ्रूट हो गए, जैसे आप आम खा रहे हो, लेकिन आम भी खाइए, कोई भी चीज़ खा सकते हो, लेकिन लिमिट में खाना पड़ेगा। आम जैसे आप खा रहे हो तो आपको कम से कम एक आम खा सकते हो, एक से ज़्यादा खाओगे तो वो आपको सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो गर्मी में जैसे कि वो भी गर्म चीज़ होता है, वो भी गर्म होता है, इसके लिए आप आम ज़्यादा मत खाइए। और अगर आप खाना है तो भाई ने जैसा बताया, वाटरमेलन बहुत अच्छी सोर्स है, पपैया खा सकते हो, पपैया भी बहुत अच्छा सोर्स है, और जैसे जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है अगर आप पपैया खाते हो तो। और सलाद भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है दोस्तों, जैसे कि सलाद में आप ककुम्बर ले लिया आपने, और ककुम्बर के साथ में आपने टमाटर ले लिया और कांदा ले लिया, ठीक है, उसमें आप सलाद बना के खा रहे हो, उसके अंदर अगर दही ऐड कर रहे हो, दही भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप, जैसे कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देगा दही जो आप खाते हो, और जो आपके ओवरऑल अगर आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी को इंटरनली वो ठंडा रखेगा, ठंडा रखेगा तो आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये भी आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दही, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखेंगे तो जैसे कि आपको पानी पीना है, पानी में अगर आप उसके अंदर नींबू निचोड़ लें, नींबू निचोड़ के उसके अंदर आप मिंट ऐड करते हो, मिंट जो पुदीना जिसको बोलते हैं वो ऐड करते हो और उसके अंदर हनी डाल के आप पीते हो, सुबह सुबह पीजिए, शाम में पीजिए, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड वाटर जैसे कि आप पेप्सी वगैरह पीते हो, उसकी जगह पर अगर आप ये पीते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपको हेल्दी रखेगा, आपकी आंखें कमजोर नहीं होगी, आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर आप ये हेल्दी ड्रिंक पीते हो तो। इसके अंदर आप बेसिल्स जो होते हैं जैसे कि जैसे हम सब्जा कहते हैं, वो सब्जा भी ऐड करके अगर आप वो ड्रिंक करते हो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंडा रखेगा। सब्जा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस वक्त गर्मी के सीज़न में, तो खासकर सब्जा जैसे कि फालूदे में भी मिलता है, लेकिन फालूदा मत पीजिए, फालूदे के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होता है, फालूदे के अंदर आप पीते हो तो बहुत अच्छा लगता है ठीक है, उसके अंदर शुगर होता है, उसके अंदर जो सवैया आप देखते हो वो सवैया एक्चुअली मैदे की बनी होती है, राइट। तो उससे भी आपका बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाती है जिसकी वजह से आपके पेट बाहर आने लग जाता है, तो वो फालूदा अवॉइड कीजिए। कभी कभार ठीक है आप पार्टी कर रहे हो उस वक्त ठीक है कभी कभार, लेकिन हमेशा के लिए फालूदा वगैरह पे आप डिपेंड मत रहिए। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा एक्सरसाइज के बारे में, तो एक्सरसाइज के बारे में जैसा कि मेरे एक दोस्त को मैंने फोन किया तो मेरे दोस्त बोल रहा है कि भाई मैं दोपहर में एक्सरसाइज कर रहा हूँ 3 या 4 बजे जिस टाइम पे बहुत कड़ी धूप रहती है, तो बोल रहा था कि इस टाइम पे अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा फैट बहुत जल्दी गल रहा है, और इस तरह से क्या एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्या ऐसा हो सकता है? भाई ये सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि आप जितना ज्यादा आपका बॉडी से पसीना निकालते हो और आपका फैट बर्न होता है, ये तो बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप छत पर जाकर आप एक्सरसाइज कर रहे हो यूवी रेस के अंदर, आप सनलाइट आपके ऊपर डायरेक्टली आ रही है और यूवी रेस आपकी बॉडी पर पड़ रही है, तो सबसे पहले यूवी रेस का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपको स्किन पे इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप चेक भी कर सकते हो, आप देख सकते हो कि जैसे आपको पता चलेगा कि आपको कैंसर तक हो सकता है, स्किन रैशेस हो जाएंगे, आपको स्किन टैन होगी, और उसके बाद में आप सोच रहे हो कि अगर आप पसीना निकाल रहे हो तो आपका फैट बर्न हो रहा है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फैट बर्न कम होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आप कार्डियो कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसकी वजह से आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाता है। मतलब जब आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है जैसे कार्डियो करते या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते, तब आपका फैट एक्चुअल में लॉस होता है। अगर धूप में आप जाकर एक्सरसाइज कर रहे हो तो पहले आपकी स्किन को जला रहे हो और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, प्लीज ऐसा मत करना, कभी चक्कर भी आ सकती है, डिहाइड्रेट तो होगी ना, बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी, आपका पानी पूरा अच्छे से निकल रहा है, आप पानी भी पियोगे लेकिन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, यूवी रेस है। अगर आपको एक्सरसाइज करना भी है तो आप सनलाइट में अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको ये सुबह सुबह करना पड़ेगा, सुबह सुबह जैसे कि सनराइज होता है जिस वक्त, उस वक्त जो सन की यूवी रेज होती है बहुत ज्यादा कम होती है और उस वक्त आपके स्किन में विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, उस वक्त आप कीजिए एकदम सुबह सुबह जब जैसे सनराइज होता है उस वक्त आप कीजिए, बहुत अच्छा है। तो ये भाई ने सन के टाइम पे एक्सरसाइज के बारे में बताया कि हमें सन जैसे कि दोपहर में नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बेकार है, इसमें कैंसर हो सकता है, और सन जब निकलता है, जब सनलाइट होती है सुबह सुबह, तो इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हो मॉर्निंग के टाइम पे बाहर जाके, पर इस तरह से आप कीजिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। और अगर आपको और क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? अगर आपको एक्सरसाइज करना ही है तो आप जिम में जाइए या फिर आप होम वर्कआउट कीजिए, घर में रह के आप वर्कआउट कर सकते हैं जो भी है आपका, और जैसे कि डिप्स हो गया, आप जो भी जंपिंग जैक हो गए, आप सिटअप्स कर सकते हो और हाई नीज कर सकते हो, जो भी आप घर में कीजिए बाहर नहीं, ठीक है। अगर आप जिम भी जा रहे हो, अगर आपके जिम में एसी लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका फैट बर्न नहीं होगा, बड़े बड़े जिम बॉडी बिल्डर भी एसी में ही जिम करते हैं। अगर आपको पसीना नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आपके जो फैट लॉस नहीं होगा, पसीना निकलने से फैट लॉस नहीं होता है, ठीक है। अगर आप पसीना निकाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अगर आप पसीना निकाल रहे हो तो आप कार्डियो पे कीजिए, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे कीजिए, आपको अगर पसीना निकालना है तो इससे कैसा होगा, आपका फैट भी बर्न होना शुरू हो जाएगा और आपका आपके जो मसल्स है वो भी बनना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ज्यादातर आप समर में ना रेड मीट अवॉइड कीजिए, रेड मीट जैसे कि मटन हो गया, ये थोड़ा अवॉइड कीजिए, रेड मीट नहीं खा सकते होने के लिए, जैसे आपके डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर रेड मीट आप ज्यादा खाते हो तो उसको ब्रेकडाउन होने के लिए बॉडी अंदर से हीट हो जाती है बहुत ज्यादा, तो हाँ रेड मीट तो आपको नहीं खाना होगा, रेड मीट आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए।
और ब्रेस्ट चिकन ब्रेस्ट जो है, अगर मेक श्योर ये कीजिए कि अगर आप चिकन ब्रेस्ट भी खा रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके साथ में एक कोई ना कोई ऐसा कोई ना कोई चीज ऐसा ऐड कीजिए जो आपको डिहाइड्रेशन से बचा के रखे। जैसे सलाद हो गया, जैसे सलाद हो गया, जैसे कि आप कोई फ्रूट ले लीजिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रेट बहुत ज्यादा पानी हो, जैसे वाटरमेलन जैसे हमने बताया, और उसके साथ में कोई भी दही आप ऐड कर दीजिए। आप मेक श्योर कीजिए कि आप प्रोटीन खा रहे हो, जब भी कोई भी प्रोटीन की डिश खा रहे हो उसके साथ में आप कोई भी ऐसी चीज ऐड कीजिए जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो सके आपका प्रोटीन। तो ये आपको पूरी जानकारी थी गाइज एक्सरसाइज और डाइट के बारे में, और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए जैसे कि समर में और क्या करना चाहिए, हम ये कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में, तो उसके लिए भी हम अपना वीडियो बनाएंगे। हाइड्रेटेड रहिए जब भी आपको, मतलब पानी तो आपको पता ही है, आप गर्मी में अगर आप एक्सरसाइज वगैरह जो भी कर रहे हो आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। एटलीस्ट 3-4 लीटर्स ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। बच्चों के लिए कम से कम 3-4 लीटर, जैसे कि 18 के नीचे है उसके बाद, और अगर आप 18 के ऊपर हो तो 4-5 लीटर पानी आपको कैसे भी करके हर खाने से पहले, जो भी आप फूड खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसके आधे घंटे पहले आपको कम से कम आधा लीटर पानी या फिर एक ग्लास पानी तो आपको पीना होगा, ताकि वो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा हो। और खाना खाते वक्त आप पानी अवॉइड कीजिए, और खाना खाने के बाद बहुत देर के थोड़ी देर के बाद आप पानी पी सकते हो, और पानी आपको जितना हो सके ज़्यादा ही पीना। तो ये सारी बात रही समर के बारे में गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको नीचे हम लिंक में डाल देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आपको आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए और आगे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, सब्सक्राइब, उससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। बिल्कुल, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डाइट प्लान के साथ। तो तब तक के लिए बाय 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 बाय।